सिंधिया समर्थक मंत्री राजवर्धन दत्तीगांव के वायरल वीडियो पर बवाल अभी ठंडा नहीं पड़ा कि 24 घंटे के अंदर न्यू ट्विस्ट आ गया। मंत्री को रेपिस्ट कहने वाली साक्षी पांडे ने पहले वीडियो से पल्ला झाड़ा और उसके बाद फिर वीडियो जारी कर सफाई दी। साक्षी की सफाई के साथ साथ होटल पहुंचे उनके एक दोस्त नील प्रजापति की सफाई आई है। साक्षी और नील की सफाई के वीडियो पर भी सोशल मीडिया पर जमकर चले, लेकिन इन वीडियो के बीच कुछ सवाल अभी बाकी रहे। मसलन साक्षी पांडे ने मंत्री राजवर्धन को रेपिस्ट क्यों कहा? पहले मंत्री के लिए अपशब्द बोले, बाद में मानिए आखिर साक्षी पर किस बात का दबाव था। साक्षी के साथ नील प्रजापति होटल में पहुंचे थे, लेकिन नील इतनी देर चुप क्यों बैठे? साक्षी ने अपने मोबाइल में ऐसी किस बात का खुलासा किया कि होटल मालिक की टोन बदल गई? वोट दिया हमको। वायरल वीडियो पर बवाल और फिर माफीनामे के बीच सवाल भी कई सारे हैं। अब सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक पूरे राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि अब सिंधिया समर्थक मंत्री पर बीजेपी खामोश क्यों है।